चीज से लोगों ने इत्तेफाक मतलब रखा, लेकिन इसमें जो नेशनल कोच थे गीता बबीता के, उनको एक तरीके से थोड़ा सा मतलब नेगेटिव किया गया। तो इस किस्म की कहानी में हम लोगों को सिनेमैटिक लिबर्टी की लक्ष्मण रेखा कहां तक खींचनी चाहिए? और देखिए आप नोटिस किया होगा कि कोच का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल फिक्टिशियस कैरेक्टर, जो नाम कोच का है वो बिल्कुल फिक्टिशियस नाम, और वो हमने फिल्म की शुरुआत में भी ये बात कही है कि ये फिल्म के अंदर जो तीन किरदार है महावीर, गीता और बबीता, इनकी कहानी है, बाकी जितने सारे किरदार हैं वो फिक्टिशियस है। आपको पता है कि उनका जो कजिन है गीता बबीता का रियल कजिन, वो ओंकार नहीं, उनके दरअसल तीन चार कजिन जिनके साथ वो लड़ते थे, जिनके साथ उनका शुरू शुरू में उनके साथ कोचिंग करते थे, तीन चार कजिन है। तो वो तीन चार कैरेक्टर्स को मिला के नितिश सर ने एक कैरेक्टर बना दिया ओंकार। अब ये नाम भी जो है ओंकार, उनके कोई भी रियल कजिन का नाम ओंकार नहीं, तो वो भी फिक्टिशियस कैरेक्टर देखा जाए। तो ऐसे इस तरह से कई कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर जो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, और वो बात हमने फिल्म शुरू होने से पहले बड़ी सफाई से सबको बताई। अब जब आप फिल्म बना रहे हैं तो कुछ चीजें आपको चाहिए ड्रामा के लिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपको कुछ चीजें जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा बायोपिक में भी अक्सर हम देखते हैं कि आप बायोपिक, जो भी आप बायोपिक देखें उसको बिगनिंग में आप देखा देखेंगे कि सम लिबर्टीज हैव बीन टेकन टू ड्रामेटाइज द मोमेंट, तो वही हमने किया।